हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार मुलानी और मेरे यूट्यूब चैनल मुलानियन ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर आपको बताना चाहता हूँ वो टॉपिक ये है कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी हमें कोई भी लागत नहीं लगानी है उस बिजनेस के अंदर और हमें उस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताना चाहता हूँ जिसमें आपको कोई भी लागत नहीं लगानी है, बस आपको उसके अंदर मेहनत करनी है और यकीन मानिए एक साल के अंदर अंदर विद इन अ ईयर आप उसमें अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 1,50,000 2,00,000 रुपये आराम से इजली कमा सकते हैं हर महीने वो भी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस सुना ही होगा दोस्तों। ये जो बिजनेस है इसके अंदर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कुछ भी आपको लागत नहीं लगानी है। बस इस बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट के अंदर निकलना है, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुकानें हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब से आपको मिलना है, मुलाकात करनी है। मतलब डेली आपको 10-20 लोगों से रोज मुलाकात करनी है, अलग अलग लोगों से, और जाके आप सबसे पहले उनसे ये पूछिए कि सर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या कोई ऐसी आपकी प्रॉपर्टी हो जिसको आप रेंट आउट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं और एक अपना विजिटिंग कार्ड उनके पास लेके जाएं, उनके पास अपना नंबर छोड़ दें। तो दोस्तों, जब आप उनसे इस तरीके से बातें करेंगे तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे, जैसे जाने या तो उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, या कोई प्रॉपर्टी उनको बेचनी होगी, या कोई प्रॉपर्टी उनको अपनी रेंट आउट करनी होगी, या उनको कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा प्रॉपर्टी के अंदर। तो जब आप रोज 10-20 लोगों से डेली आप मिलोगे तो आप महीने में कम से कम 500-600 लोगों से मिल चुके होंगे। जब आप 500-600 लोगों से मिल चुके हो तो कम से कम आपके पास, मैं मानता हूँ, कम से कम 100 से लेकर 200 प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएंगी डायरेक्टली। और फिर उन प्रॉपर्टीज पर आपको क्या करना है, काम करना शुरू करना है। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको क्लाइंट कैसे निकालना है। तो क्लाइंट में मैं आपको बताता हूँ, जब आप अलग अलग लोगों से मिलोगे तो इन्हीं में से क्लाइंटेज भी आपका निकलेगा। मान लो कोई कहेगा कि सर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, और कोई ऐसा इंसान होगा उन्हीं क्लाइंट में जिसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपको उनका बजट और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट कराना होगा आपस के अंदर। जब आप ये कर लोगे तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। अगर दोनों तरफ से भी आप कमीशन लगाओगे तो आपको 2% कमीशन होता है, 1% खरीदने वाले की तरफ से और 1% बेचने वाले की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 50 लाख रुपये की कोई प्रॉपर्टी उनकी बिकवाई, और जो खरीद रहा है वो भी आपको 50,000 रुपये कमीशन देगा, और जो बेच रहा है वो भी आपको 50,000 रुपये कमीशन देगा। तो यानी टोटल आपने एक ही डील के अंदर कितने रुपये कमा लिए, 1,00,000 रुपीज। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लागत नहीं लगती है। बस इसमें आपका काम जो है, मेन काम जो है, वो लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, उनकी नीड को समझना है कि उनको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, खरीदना है, सेल करना है, या उनको कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है। रेंट आउट से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक रेजिडेंशियल और एक कॉमर्शियल। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उठाते हैं तो इसमें आपको 15 डेज का कमीशन चार्ज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का 10,000 रुपये का फ्लैट उठाया तो आपको टोटल 10,000 रुपये मिलते हैं, 15% 15 डेज का ब्रोकरेज चार्ज चलता है, 50% जो होता है वो जिसको फ्लैट होता है, जिसका फ्लैट आप उठवाते हो रेंट पर वो देता है, और 15 डेज का वो कमीशन देता है जिसको आप दिलवाते हो। यानी टोटल आप 10,000 की चीज में 10,000 रुपीज कमा रहे हो। अगर आपने ऐसे महीने में 2-3 भी उठा दिए तो आपको 20-30,000 रुपये महीना कहीं नहीं गया, आप इजली कमा सकते हो। अब जानते हैं कॉमर्शियल के बारे में। कॉमर्शियल में दोस्तों बड़ी बड़ी व्यूज होती हैं, जैसे आपने एरिया सुने होंगे 500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है, 1,000 स्क्वायर फीट की जरूरत है, 2,000 स्क्वायर फीट की जरूरत है। तो दोस्तों, जैसे कोई कंपनी आती है, उस कंपनी को आपको जगह दिलवानी है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे 3,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट। तो जब आप उनको जगह दिलवाते हैं तो वही ब्रोकरेज चार्ज, इसमें जो ब्रोकरेज चार्ज है वो 30 डेज का चलता है, 30 डेज, यानी पूरे एक महीने का ब्रोकरेज चार्ज चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 50,000 की प्रॉपर्टी उठवाई तो आप दोनों पार्टियों से 50,000 रुपये ले सकते हो, यानी आप 1,00,000 रुपये एक ही प्रॉपर्टी कमा सकते हो। इसी तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी 2,00,000 रुपये रेंट पे भी होती है, 5,00,000 रुपये रेंट पे भी होती है। बट ये होता है कि जब आप उनसे बातचीत करते हो सकता है आपको वो एक महीने की ना देखे, 15 डेज की दे, लेकिन 15 डेज से कम कभी नहीं मिलती है। अब इसमें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म लीज होती है, जैसे 9 साल की, 5 साल की, उसमें आप अच्छा कमीशन ले सकते हो। जब आप 9 साल की लीज कराते हो तो कम से कम आप 3 से लेकर 6 महीने की कमीशन उनसे चार्ज इजली कर सकते हो, क्योंकि आप उनको जो एग्रीमेंट दे रहे हो, उनको जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवा रहे हो, 9 साल के लिए कंपनी को उठवा रहे हो। तो देखा जाए तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी है।
अब रेंट के साथ साथ अगर आपने सेल भी कर ली, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक मकान बेच दिया उसकी कॉस्ट थी 50 लाख, तो आपको 1 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा दोनों तरफ से 1-1%। और साथ साथ आपने 3-4 ऐसे काम कर दिए रेंट आउट के, जैसे मान लो कोई आपने 10,000 रुपए का फ्लैट उठा दिया, किसी का मकान उठा दिया, तो 25-30 हज़ार रुपये आपने वहां से कमा लिए। कोई आपने कॉमर्शियल कर लिया, 30-40 हज़ार आपने वहां से कमा लिए, तो आप मतलब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख इजिली इस काम में कमा सकते हो। 50,000 भी आप इजिली इस काम में कमा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर कमाना। और इसके अंदर है ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपनी सर्विस देनी है लोगों को। क्या देनी है? अपनी सर्विस देनी है। आपको बाजार के अंदर निकलना है, आपको अपडेट करना है अपनी चीजों को कि भाई मेरे पास 25 लाख के 30 लाख के 50 लाख के यहाँ इस लोकेशन पर मकान है। और फिर उसके लिए आपको कस्टमर निकालने दोस्तों। कस्टमर भी आप कहाँ से मिलेंगे? मार्केट से ही मिलेंगे आपको दोस्तों। और दोस्तों आपके पास जो भी चीज आ जाए तो आप कोशिश करो कि उसकी साइड जो डिटेल्स है वह एक जगह लिख लो, जैसे कितना एरिया है, कौन सा फेसिंग है, उसकी जो फ्रंट एरिया वो कितना है, उसकी जो गहराई है वो कितनी है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, कौन से फ्लोर पर है, क्या डिमांड है, कहाँ तक आदमी उसको छोड़ सकता है। तो ये सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पेपर क्लियर होनी चाहिए। जब आप किसी को प्रॉपर्टी देते हो तो पेपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक बार भी आपने ऐसी मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, तो आपका जो क्लाइंटेज है जो बना है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होने लगता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। और जब आप इस काम को करोगे तो शुरू में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगी, हर काम में आती हैं, बट ये ऐसा काम है कि इसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं बट इसमें रिजल्ट अच्छा है। इसमें जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होते फ्रेंड, क्योंकि हमारा इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ है, अब दोस्तों जब आप कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आती है, जब आप उसके फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हो, सब कुछ डिटेल रख लेते हो, तो आप दोस्तों उसको एक्सपेंड करने के लिए सोशल मीडिया का भी आप एक सोशल मीडिया से भी आप उसकी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उस प्रॉपर्टी को फेसबुक के अंदर भी रोज डाल सकते हो, फेसबुक के अंदर एक अपना प्रॉपर्टी के नाम से पेज बना सकते हो, उसके अंदर भी आप अपडेट कर सकते हो डेली इस प्रॉपर्टीज को। तो होता क्या है कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को मतलब जब भी उनकी कोई नीड होती है तो वो आपको मैसेज छोड़ते हैं या आपको कॉल करते हैं या आपको आपसे आपका नंबर मांगते हैं। तो इस तरह के सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पर भी आप चाहो तो ग्रुप बना लीजिए, या अपने व्हाट्सएप पे रोज स्टेटस अपडेट कीजिए प्रॉपर्टी का, तो उससे भी लोग जानते हैं, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, और जो भी आपसे अननोन लोग भी जुड़े हैं वो भी इस बारे में अवेयर होते हैं। इसके अलावा जैसे दोस्तों फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया दोस्तों, इसके अंदर भी आप अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह डाल सकते हैं। तो सोशल मीडिया की हेल्प से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इससे भी आपको कस्टमर जरूर मिलेंगे। एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा कि जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी हेड ऑफिस वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर लोग आते हैं, इनकी जो लीज होती है अच्छी होती है, किसी की 20,000 लीज है, किसी की 30,000 लीज है, किसी की 25,000 लीज है, और 25,000 से 30,000 से ज़्यादा भी लीज के भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप मतलब वहाँ जाके उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना कार्ड वगैरह दे के या वहाँ पूछ के कि भैया कोई आया तो नहीं है मैनेजर ट्रांसफर होके, तो आपको बस जाना क्या है कि इंटरेक्ट करना है, बस जाना है, मिलना है, अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना है। अब दोस्तों आती है कि ये कोई सिकंदरा है, मैं आगरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई दयाल वाली चीज, कोई सिकंदरा है, कोई बोलदा है, कोई अब ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है कि हम इतने एरिया को कवर करें? दोस्तों पॉसिबल हो जाता है, एक तो आपका सबसे पहले नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जो आपसे काम करता हो, जिसको आप जो अपनी रिक्वायरमेंट है कस्टमर को उसको बताते हो, उसके पास भी ऐसी चीजें हो, मान लो आपके पास है डायरेक्ट तो आप अपनी चीजें दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपकी चीज नहीं पसंद आती है तो आप डीमोटिवेट मत होइए। आप क्या करिए कि वहां के जो अच्छे प्रॉपर्टी डीलर उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई मेरे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास चीज अवेलेबल है? अगर वो बोलता है हाँ भाई आप अपने क्लाइंट को बुला लीजिए मेरे पास चीज अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट से ले जाता है, आप अपने क्लाइंट से ले, तो दोनों का बिजनेस क्या है होने लगता है और नेटवर्क जो है वो बढ़ने लगता है। मतलब आप कमला नगर भी आपने संभाल लिया, फिर ऐसे करते करते आपने दयालवा भी संभाल लिया, ऐसे करते करते आपने सिकंदरा भी संभाल लिया। अब आते हैं दोस्तों जैसे कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आते हैं, तो चाहे तो आप उनसे भी मिलकर, अगर आप इस तरीके से काम नहीं करना चाहते, जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आते हैं उन पे भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। मान लो उनके कोई फ्लैट्स बन रहे हैं 25 लाख 50 लाख या 60 लाख वॉट एवर, तो उन फ्लैट्स पे भी आप क्या करेंगे कि कितना एरिया में है और कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर आप बिल्डर के काम करेंगे तो वो भी आपको एक अच्छा अमाउंट देता है कमीशन के तौर पर, आपको एक अच्छा कमा देता है। और अगर बिल्डर आपसे जुड़े आते हैं तो और भी अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्डरों के साथ बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है, आप उनकी जो प्रोजेक्ट्स उनको सेल करने में उनकी हेल्प करते हैं,
तो इजिली आप 2-4 लाख 5 लाख में महीना आराम से कमा सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करके भी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की आपके पास कस्टमर, किस तरह का आपके पास क्लाइंट है, आप किस तरीके से काम करते हैं। मेरा जो मानना है वो ये है कि स्टार्टिंग में आप जाइए बाजार के अंदर, निकलिए रोज 10-15 लोग 20 लोगों से डेली आप इंटरेक्ट कीजिए और बस उनसे ये पूछिए कि सर कोई आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप रेंट पर उठाना चाहते हो, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है आपके पास जिसको आप सेल आउट करना चाहते हो, या आप कोई ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आपकी जिसमें आप खरीदना चाहते हो प्रॉपर्टी। तो जब आप बात करोगे लोग उस समय मतलब कुछ लोग रिस्पॉन्स देंगे, बहुत से लोग जो होंगे वो नहीं भी रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन ये मैं समझना कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स देंगे जब आप रेगुलर उनके पास विजिट करोगे और उनके जो नंबर वगैरह है वो सब आप अपनी डायरी में नोट करिए, कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आती है उनको व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। तो रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आता है इस काम में, लेकिन धीरे धीरे आने के बाद इस काम में क्या है कि जो बिजनेस है वो तेजी से बढ़ता है और जो प्रॉफिट है वो भी तेजी से इसमें बढ़ता है, क्योंकि इसमें हमारी लागत तो लगी नहीं है फ्रेंड्स, जो भी आ रहा है वो हमें कमीशन मिलता है और कमीशन कितना होता है भाई 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 कितना भी हो सकते हैं, वॉट एवर जितनी आप मेहनत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, आप इस बिजनेस को एक मेरी तरफ से एक बार आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, लेकिन हाँ निकलना आपको रोज पड़ेगा बाजार के अंदर। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैंने एक ऑफिस ले लिया और उस ऑफिस के अंदर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ और मेरे पास मतलब अपना क्लाइंट आ जाएगा, नहीं, शुरू में कोई नहीं आता किसी के ऑफिस में, शुरू में आप लोगों को अपने एफर्ट्स देने पड़ते हैं, आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, और जब आपके काम होना शुरू हो जाता है आप अखबारों में भी एड्स दे सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी का काम है, हम लोग क्या है कि कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लीज पर उठाते हैं या हम लोगों को खरीदवाते हैं बिकवाते हैं। तो जब आपका काम चलेगा तो आप एड वगैरह भी दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो आपका बिजनेस है वो बढ़ने लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में अगर आपने ऑफिस ले लिया उसको बहुत बढ़िया सजा दिया या दिखवा दिया तो कोई नहीं आने वाला उस ऑफिस के अंदर, ना कोई इंक्वायरी करने वाला है, महीने में एक आध कोई आ गया तो आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टी का काम आता है वो सारा काम जो आता है वो बाहर निकल के आता है, जितना भी काम आता है वो सब बाहर निकल के आता है, लोगों से मिलकर निकल के आता है, इतने सारे अधिकारी होते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इतने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के बाद ही ये काम निकलने लगता है, और बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही रेपुटेटेड काम है। आप बस बाहर निकलिए और इस काम में लग जाइए तो आप देखिए उसका रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।